आज हम एक ऐसे मेथड से व्रत वाली साबूदाना खीर बनाएंगे जो कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हम लगभग 1 कप साबूदाना लेंगे। साबूदाना लेने के बाद अब इसमें वाटर डालेंगे। हम इसे वाटर से बिल्कुल भर देंगे। भरने के बाद अब हम इसे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद ये जो वाटर है इसे फेंक देंगे। ऐसा हम 2 बार करेंगे। 2 बार वॉश करने के बाद अब साबूदाना जितना है उतना वाटर भरेंगे। इसके बाद इसे लगभग 2 घंटे के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे। 2 घंटे के बाद साबूदाना बिल्कुल अच्छी तरह से भीग जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। ये और भी ज्यादा फूल जाएगा। अब हम एक कढ़ाई में लगभग 2 टेबल स्पून देसी घी लेंगे। देसी घी जब गर्म होने लगे तब हम जो साबूदाना हमने सोक किया था उसे डाल देंगे। इसे हमने हाथों के हाथ से बिल्कुल अलग अलग कर लिया है। अब इसे स्पैचुला के हाथ से मिक्स करेंगे। हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक साबूदाना हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट ना होने लगे। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि साबूदाना ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया है। अभी ये अच्छे तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है। इसे हम थोड़ी देर और भूनेंगे। बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि पूरा साबूदाना बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। एक साथ हम सारे मिल्क को ऐड कर देंगे। हमने लगभग 1.5 लीटर मिल्क लिया है। मिल्क डालने के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। बॉईल होते समय हम बीच बीच में लगातार चलाते भी रहेंगे। थोड़ी देर में साबूदाना बिल्कुल फूल के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए अब साबूदाना फूलना स्टार्ट हो गया है। बीच बीच में लगातार चलाते हुए खीर के गाढ़ा होने तक हमें इसे कुक करना है। जब खीर गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तब इसमें दरदरी कूटी हुई इलायची और टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करेंगे। इन सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक और कुक करेंगे ताकि शुगर बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसे पकने में लगभग 10 से 15 मिनट लग सकते हैं और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। जब हमें लगे कि खीर थोड़ी पकने लगी है तब इसमें अलमोंड स्लाइसेस डालेंगे। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो या आप इसे बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। ये देखिए अभी खीर थोड़ी पतली है। हम इसे और कुक करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। बीच बीच में हम हाई भी करते रहेंगे। जब ये ऊपर आने लगेगी तब हम फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरह से बॉईल हो रही है और खीर भी गाढ़ी हो गई है। हम इसे लगभग 1 मिनट और कुक करेंगे। 1 मिनट कुक करने के बाद अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करके हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद तब इसे सर्व करेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी व्रत वाली साबूदाना खीर बनकर तैयार है। ऊपर से हम एलमोंड स्लाइसेस और पिस्ता से टॉपिंग्स करेंगे। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इसके बिना भी सर्व कर सकती हो। ये देखिए साबूदाना कितना फूला फूला दिख रहा है और ये कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपका। आप इस मेथड से जरूर ट्राई करें। हमने और भी व्रत की रेसिपी शेयर की हैं। आप उन्हें भी ट्राई करें और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।